सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया की हैं, जहां पे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो उसी संदर्भ में रानिया की कांग्रेस कमेटी की ओर से विनीत कंबोज की अध्यक्षता में पेट्रोल पंप पे बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, सत्ता में थी, तो उस समय क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो 120 रुपये प्रति बैरल होने के बावजूद भी 50-60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो है वो पेट्रोल डीजल मिला करते थे। लेकिन अब जो है मोदी सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में है, तो 60-70 रुपए क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल प्रति बैरल होने के बावजूद जो पेट्रोल डीजल की कीमतें 30-35-40 रुपए तक होनी चाहिए थी, वो ऐसा नहीं करके 100 रुपए पेट्रोल डीजल के लगभग जो है वो कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही है। तो ऐसे में उनका कहना है कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों के पास जो मशीनरी है वो लगातार जो है वो डीजल से चलने वाली मशीनरी है। तो ऐसे में डीजल के रेट जो है 80-90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रहेंगे, तो कैसे जो है वो किसान सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम कर, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो रसोई गैस की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है। रसोई गैस की, गैस सिलेंडर की सब्सिडी वापस बहाल करने की मांग को लेकर के आज ये पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया। तो चलिए आगे देखिए कि क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने। नमस्कार साथियों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज पेट्रोल 100 रुपए के आसपास, डीजल 90 रुपए के आसपास हो चुका। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और रानिया कांग्रेस आज रानिया में प्रदर्शन कर रही है। हम चाहते हैं कि तुरंत ही इसके जो दाम है उसको कम किया जाए। आप लोगों के सामने है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब क्रूड ऑयल एक बैरल 125 रुपए 130 रुपए के आसपास था, और तब भी 60-70 रुपए पेट्रोल डीजल मिलता था। और आज जबकि 60-70 रुपए क्रूड ऑयल एक बैरल हो गया है, तो आज जबकि पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए था, और कोरोना जैसी महामारी के अंदर ये बार बार टैक्स लगा के 100 रुपए पेट्रोल कर दिया इन्होंने, 90 रुपए डीजल कर दिया है। आज हमारे किसान भाई जब खेतों में डीजल का प्रयोग करते हैं ट्रैक्टर द्वारा, तो उनको बहुत ज्यादा बोझ हो रहा है। मिडिल क्लास हो, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, सबके ऊपर बोझ हो रहा है, गरीब आदमी पर बोझ पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जितना है वो डीजल के माध्यम से होता है, उससे ये चीजें महंगी होती जा रही हैं। खान पीन की सब चीजें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से महंगी होती जा रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं डीजल का दाम और पेट्रोल का दाम तुरंत कम किया जाए। ये सरकार वादे करती थी, बोलती थी कि हम जब हमारी सरकार आएगी पेट्रोल के दाम कम करेंगे, डीजल के दाम कम करेंगे, उनको उन्होंने बार बार टैक्स लगा के बढ़ा दिया। उसके साथ साथ आज सिलेंडर 820 रुपए के पास पहुंच गया है, सरसों का तेल जो 260 रुपए लीटर हो गया है।